इंजीनियर जॉन कैडमैन ने एक लार्ज स्केल मॉडल बनाया जो ये दिखाता है कि पिरामिड ऑफ गीजा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का वॉर्डनक्लिफ टावर था, जिससे वो पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहते थे। जब क्रिस्टोफर डन ने ये बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इसके बाद हुआ ये कि दुनिया भर के इंजीनियर्स ने पिरामिड ऑफ गीजा को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और उनमें से कई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को यकीन हो गया कि ये पिरामिड सिर्फ राजाओं की मम्मी रखने के लिए नहीं बनाया गया था, इसके पीछे कोई और रीजन था। इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड्स हैं और इन सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीजा। इसमें ये माना जाता है कि खुफू नाम के रूलर का टूम है, यानी उनकी मम्मी यहाँ होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पिरामिड के अंदर से कभी भी कोई टूम नहीं मिला। इतना ही नहीं, नॉर्मली अगर किसी रूलर की मम्मी किसी पिरामिड में पाई जाती है तो कम से कम उसके बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सोने के जानवर, बाकी ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, जो कि उस वक्त के लोग मानते थे कि उनके रूलर्स को ये सारी चीजें हेल्प करेंगी मरने के बाद भगवान से बात करने के लिए। लेकिन पिरामिड ऑफ गीजा में अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं मिला है। साथ में जब रिसर्चर्स इन पिरामिड ऑफ गीजा को स्टडी करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग इस इनॉर्मस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कम से कम 20,000 लोगों ने लगातार 20 सालों तक काम किया होगा, तब जाके ये स्ट्रक्चर बना होगा। और हर पत्थर लेजर कट प्रिसीजन से बना है और अभी तक हिस्टोरियंस को ये नहीं पता कि इसे बनाया कैसे गया था। इनमें से कई पत्थर 5 टन के हैं, यानी एक बच्चों की स्कूल बस के वेट के अकॉर्डिंग, और कई पत्थरों को 500 माइल्स की दूरी से ले जाया गया है। ये डिस्टेंस इतना है कि मानो एक एक करके हमें 5 टन का पत्थर पहले चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से वापस चंडीगढ़ ले जाना हो, और हमारे पास कोई टायर नहीं है जो हम इन पत्थरों के नीचे लगा सकते हैं, और ना ही सीधा रोड है। और हैरानी की बात यह है कि इस पिरामिड में एक नहीं टोटल 23,00,000 पत्थर है। ओके, तो चलो मान भी लिया जाए कि ये सारे हिस्टोरियन सच कह रहे थे कि खुफू रूलर बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए उनके लिए ये सारे भारी पत्थर दूर से लाए गए, लेकिन जो मटेरियल्स इस पिरामिड को बनाने के लिए यूज किए गए हैं वो आजकल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबटेरेनियन चैम्बर वॉल की तरह काम करता है जो झटके मारता है, शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। किंग और क्वीन चैम्बर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बने हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। क्वींस चैम्बर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है जो हाई प्रेशर में कंडक्टर की तरह काम करेगी। और पिरामिड को पहले से ही एक मटेरियल से कवर किया गया था जो एक इंसुलेटर का काम करता है। क्रिस्टोफर डन की पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल है। इन मटेरियल्स को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला मटेरियल है क्वार्ट्ज, जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की तरह काम करता है। जिन्हें नहीं पता तो अर्थ में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिन्हें अगर हम प्रेस करें तो उनका एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज, यानी उन्हें हम बैटरी की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत सी ऐसी घड़ियां हैं जिसके अंदर हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल मिलता है। अब जो पिरामिड के अंदर वाले चैम्बर्स हैं उसे बनाने के लिए भी बहुत कष्ट किया गया है। इन पत्थरों को भी 500 माइल दूर से लाया गया है और ये बने हैं रोज ग्रेनाइट से, जिसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज क्वार्ट्ज। ये तो एक मटेरियल हुआ। इसके अलावा पूरे पिरामिड को एक स्पेशल मटेरियल से कवर किया गया था जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है ताकि पिरामिड की इलेक्ट्रिसिटी बाहर लीक ना हो। देखो, जो हम पिरामिड देखते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर का है जो कि नॉर्मलाइट लाइमस्टोन है, जो कि पिरामिड के आसपास बहुत अवेलेबल है। लेकिन एक और मटेरियल पिरामिड के पत्थरों के ऊपर चढ़ाया गया था जो कि व्हाइट लाइमस्टोन था। इस मटेरियल की वजह से अगर हम पिरामिड को दूर से देखते थे तो वो एक स्टार की तरह चमकता था। जिसने भी पिरामिड्स को बनाया है उसने इसे लाने के लिए अपने मजदूरों से बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करवाया है, क्योंकि ये मटेरियल पिरामिड से दूर ट्यूरा नाम की जगह पर ही अवेलेबल है। अब इस लाइमस्टोन की लेयर की खास बात ये थी कि ये एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज मिली। 1993 में पिरामिड में लोगों को एक छोटा नया होल मिला और इसके अंदर एक नया रूम फाइंड किया गया जो कि हजारों साल से किसी को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता था। इस नए रूम को 2011 में रोबोटिक कैमरा की मदद से पूरा एक्सप्लोर किया गया और इसे नाम दिया गया द क्वींस चैम्बर। इसमें माना गया है कि इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्वींस चैम्बर में 2 शाफ्ट्स हैं। नॉर्दर्न शाफ्ट में हाइड्रोलिक एसिड के ट्रेसेस मिले हैं और सदर्न शाफ्ट में हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड के ट्रेसेस मिले हैं। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हाइड्रोजन गैस बन सकती है जो कि हाई प्रेशर में कंडक्टर की तरह काम करेगी। इसके अलावा मेन पिरामिड के नीचे 330 फीट में एक सबटेरेनियन चैम्बर मिला है जो कि एक वॉल्व की तरह काम करता है। अब इतना नीचे इस पिरामिड में खुफू के लिए क्या बनाया गया था ये भी एक राज की बात है, लेकिन अभी भी इसमें एक मिसिंग पीस है और वो ये है कि पिरामिड ऑफ गीजा के ऊपर कोई कंडक्टिव मटेरियल नहीं है। एंड यू आर राइट, ये ग्रेट पिरामिड गीजा का टॉप है जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 फीट का वॉकिंग स्पेस है। इजिप्ट के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो पिरामिड्स के टॉप है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसे कैपस्टोन कहा जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि किसी को नहीं पता कि जो गीजा पिरामिड का कैपस्टोन है उसका आखिर हुआ क्या, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं।
बहुत लोगों का कहना है कि इसका कैपस्टोन गोल्ड का होना चाहिए, और अगर ये ट्रू है तो इस थ्योरी से ये पावर प्लांट की तरह काम कर सकता है। इंजीनियर जॉन कैडमैन का कहना है कि अगर कोई इस शाफ्ट से सबटेरेनियन चैम्बर में पानी जाता है और जैसे ही वो पानी वॉल्व तक पहुंचेगा तो वो वॉल्व बार बार ओपन और क्लोज होता रहेगा, जिसकी वजह से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और जब ये शॉक वेव्स क्वार्ट्ज क्रिस्टल तक पहुंचेंगी तो एयर आयनाइज हो जाएगी और पिरामिड में बाकी कंडक्टिव मटेरियल से इसे पिरामिड के टॉप में फोकस किया जा सकता है, जिसकी वजह से पिरामिड इवेंचुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर पाएगा। लेकिन हम में से कई लोग बोलेंगे कि वेट, ये पानी कहां से आया? तो बहुत सी रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि पहले नाइल रिवर, जो कि आजकल पिरामिड से काफी दूर है, वो पहले पिरामिड के पास ही फ्लो होता था। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी सच में प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का वो करते क्या थे? तो इसके पीछे एक थ्योरी है कि निकोला टेस्ला की तरह पिरामिड्स भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते थे। देखो, 2 सितंबर 1897 में निकोला टेस्ला ने अपना ये डिजाइन पेटेंट करवाया, जिसमें लिखा है कि 30,000 फीट की हाइट में जो एयर है वो वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह तक। और निकोला टेस्ला का ये डिजाइन सिर्फ पेपर्स में ही नहीं था, बल्कि टेस्ला इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक्चुअल में बहुत काम कर रहे थे। पहले तो निकोला टेस्ला ने उस टाइम के करोड़पति जेपी मॉर्गन को कहा कि अगर वो टेस्ला को एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे देते हैं तो वो उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम बना के देंगे। लेकिन जब टेस्ला को पैसे मिल गए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि सिर्फ कम्युनिकेशन क्यों, लोगों को वायरलेस बिजली मिलनी चाहिए। इसीलिए टेस्ला ने उस पैसों को खर्च करके एक टावर बनाया और उन्होंने जेपी मॉर्गन को दिखाया कि वो वाकई में बिना तारों के बल्ब जला सकते हैं। लेकिन ये बात जैसे ही जेपी मॉर्गन को पता चली, उन्हें गुस्सा आ गया। एक्चुअली हुआ ये कि जेपी मॉर्गन बहुत से ऐसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे जिससे बहुत नुकसान पहुंचता अगर निकोला टेस्ला एक्चुअल में ये बिजनेस बना देते। मॉर्गन के बिजनेस कॉपर वायर्स बनाते थे, ये बिजनेस उनका बंद हो जाता। मॉर्गन के रबर के बिजनेसेस थे जिससे वो वायर की इंसुलेशन बनाते, उनके कोल के प्रोजेक्ट भी थे और वो बिजनेसेस भी बंद हो जाते अगर टेस्ला का ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता। इसलिए मॉर्गन ने टेस्ला को फंडिंग देने के लिए मना कर दिया। इतना ही नहीं, मॉर्गन ने उस टाइम के बाकी इन्वेस्टर्स को भी मना कर दिया कि उनमें से कोई भी टेस्ला के प्रोजेक्ट को फंड नहीं करेगा। टेस्ला ने थोड़े टाइम तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे उधार ली, लेकिन वो इतने उधार में डूब गए कि 1917 में वॉर्डनक्लिफ प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और टेस्ला 84 की एज में एक होटल के कमरे में गरीबी की हालत में मरे। टेस्ला की मौत के दो दिनों के बाद FBI ने MIT से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर किया जिसका नाम था जॉन जे ट्रंप। एंड यस, अगर आप सोच रहे हैं कि इनका कोई रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ है तो आप एकदम ठीक हो। जॉन जे ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के अंकल थे, जिन्होंने 3 दिनों तक टेस्ला के पेपर्स को देखने के बाद कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स में कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, ये यूजलेस कागज है। लेकिन स्केप्टिक्स कहते हैं कि इसमें बहुत वैल्यूज थी। बहुत से लोग पिरामिड ऑफ गीजा को टेस्ला के वॉर्डनक्लिफ टावर के साथ कंपेयर करते हैं, स्पेशली जब क्रिस्टोफर डन की ये बुक पब्लिश हुई थी। टेस्ला का ये वॉर्डनक्लिफ टावर 57 मीटर लंबा था और जो ऊपर मेटल डूम है वो 20 मीटर का था। टेस्ला ने स्टार के नीचे अप्रोक्सीमेटली 36 मीटर की खुदाई करी हुई थी, और इतना ही नहीं, इस स्टार के नीचे 6 आयरन की पाइप्स भी ड्रिल करवाई थी जो कि स्टार से 100 मीटर नीचे तक जाती थी। अब अगर हम टेस्ला के वॉर्डनक्लिफ टावर और पिरामिड को इस नजरिए से कंपेयर करते हैं तो दोनों का पर्पस सेम लगता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये थ्योरी सच है, जैसे कि वीनर सीमंस, जो सीमंस कंपनी के मालिक थे। उन्होंने 14 अप्रैल 1859 को पिरामिड के टॉप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नोटिस किया, और ये तब हुआ जब उन्हें वाटर बॉटल से काफी बार इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। जब ये बात उन्होंने अपने साथ वाले अरब्स को बताई तो उन्होंने उन्हें पिरामिड से नीचे उतरने के लिए कहा। वीनर सीमंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को सिर्फ पिरामिड के टॉप में ही नोटिस कर पाए थे और थोड़ा सा भी नीचे उतरने पर उन्हें ये एनर्जी नहीं मिल रही थी। कई लोगों का ये भी मानना है कि ह्यूमंस को ये टेक्नोलॉजी पहले से ही पता थी। फॉर एग्जाम्पल, 1934 में इराक में 3 चीजें साथ में मिली, एक थी सिरेमिक पॉट, एक कॉपर की ट्यूब और एक आयरन की रॉड। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दो और कोई लिक्विड एसिड डाल दो जैसे कि लेमन जूस, तो वो आजकल की नॉर्मल बैटरी की तरह काम कर सकती है, ऑल्दो वोल्टेजेस बहुत कम होंगे। जब इस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये कम से कम 2000 साल पुरानी है। अब ऑब्वियसली जो भी थ्योरी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है उसे मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन बिलीव नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से पिरामिड को डिजाइन किया गया है और जिस तरीके से स्पेशली 500 माइल दूर से इतने भारी पत्थर लाए गए जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज थी क्वार्ट्ज क्रिस्टल की इंसुलेटर की, तो कई लोग इस थ्योरी को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। और कई बार इलॉन मस्क जैसे बिलियनर्स पिरामिड पर ट्वीट कर देते हैं कि पिरामिड को एलियंस ने बनाया। पर सच बात तो ये है कि अभी तक किसी के पास एक थ्योरी नहीं है जो ये प्रूफ कर सके कि ये जायंट पिरामिड कैसे बने, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, उन्हें बनाया क्यों गया था। क्या आपने कोई थ्योरी सुनी है जो इन सबसे एकदम डिफरेंट हो? पिरामिड के अलावा और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि मार्शियन, जिसमें मार्स के बारे में डिस्कस किया है, गॉड डिल्यूजन, जो कहता है कि भगवान है ही नहीं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक्सेट्रा।
तो अगर हम इन बुक्स को पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो हम गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट मैन में दे दूंगा। एक और बात, ये कुछ अमेजिंग वीडियोस हैं जो आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जय हिंद।